हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन यायो। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे गए हैं और आगे भी ज्यादा से ज्यादा पूछने की संभावनाएं हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी इन एग्जाम्स में आने की संभावना है, तो आप जो है अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को जो है देखना है यहाँ पे। और कौन कौन से एग्जाम्स हैं देखिए यहाँ पे, जेट, आईसीआर, बीएचयू, जेआरएफ, नीट वगैरह, जो पीएमटी वगैरह की जितने भी अदर्स मेडिकल्स वाले एग्जाम्स होते हैं जिनमें बायोलॉजी आती है, उन सभी में ये पूछे जाते हैं और आगे भी जो है पूछने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हैं, तो इसलिए आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि आप अगर यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। वेलकम टू कैप्टन एग्रो। और आज की फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कोशिका का संचालन केंद्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन जो है वो है अपने पास यहाँ पे कोशिका का सेल का संचालन केंद्र होता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारा संचालन केंद्र होता है ब्रेन, ठीक है, उसी तरीके से एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनेल होता है, सॉरी, वो होता है इसको संचालन करने का काम करवाता है, ठीक है, इसको निर्देश देता है कि आपको करना क्या है आखिर में। तो उसी तरीके से जो है सेल का संचालन केंद्र यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर वन है लवक, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रक, एंड ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोप्लास्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी है केंद्रक, ठीक है। तो कोशिका का जो संचालन केंद्रक है केंद्र है वो है यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मतलब केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की हम बात करते हैं कि इष्ट कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, जो इष्ट सेल्स होती है उसमें किस टाइप का विभाजन होता है। हमने सारी चीजें पढ़ी हैं और मेरे ही नोट्स में से ये क्वेश्चंस मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस एंड एंडोमाइटोसिस, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब अमाइटोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इष्ट कोशिका में किस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है, तो आपको अमाइटोसिस ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं कि आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो आनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे यहाँ पे, ऑर्सन व क्रिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सटन व बोरी, ऑप्शन नंबर सी है बेरसन व पुनेट, एंड ऑप्शन नंबर डी है बीडर व टेटम। तो आप क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, हमारा आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो किया था अपने सटन और बोवेरी ने, ठीक है, किसने किया था, सटन और बोवेरी ने, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है आपको, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, ठीक है, कि ऑर्सन व क्रिक, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल किसने दिया था, किसने डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ऑर्सन व क्रिक, ठीक है। कब किया था, तो ये किया था 1958 में, ये डेट बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1958 में जो है डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल दिया गया था ऑर्सन व क्रिक ने, तो ये भी एक एक्स्ट्रा तथ्य है जिसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर आता है अपने पास कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो यहाँ पे तीन स्टेट चार स्टेटमेंट दे रखी है, उनके आधार पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर है कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो केवल निर्जीव प्लांट सेल में, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है सभी प्लांट सेल्स में, एंड सी ऑप्शन है सभी सजीव कोशिकाओं में, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो प्लांट सेल होती है, जितने प्लांट सेल्स होती हैं, उन सभी में जो है कोशिका भित्ति मतलब सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो सभी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि एनिमल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, क्या होती है, एब्सेंट होती है एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, दोनों में ये एक इम्पोर्टेंट क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव की मैं बात करता हूँ कि केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का पुनः प्रकट होना, गुणसूत्रों का लंबा होना और पतला होना किस
फेज से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने वो चार फेज दे रखी है, एनाफेज से, मेटाफेज से और टीलोफेज से एंड प्रोफेज से। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है, गुणसूत्र लंबे पतले हो जाते हैं, तो किस स्टेज के अंदर हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है जो कि है टीलोफेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, टीलोफेज। टीलोफेज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे अपन जो है 5 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास आता है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि जीन विनिमय कौन सी अवस्था में होता है। तो आपको ध्यान रखना है क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो लिप्टोटीन में, जायगोटीन में एंड डिप्लोटीन में एंड नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, वो होगा बी जिसका नाम है जायगोटीन स्टेज। ठीक है, जायगोटीन स्टेज में जो है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास आता है कि न्यूनकारी विभाजन होता है। तो न्यूनकारी विभाजन होता है यहाँ पे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एंड असूत्री विभाजन। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है क्या कहलाता है, न्यूनकारी विभाजन। अगर समकारी विभाजन की मैं बात करता हूँ तो समकारी विभाजन अपन बोलते हैं, समसूत्री विभाजन को भी समकारी विभाजन बोलते हैं और अर्धसूत्री सेकंड को भी समकारी विभाजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास आता है कि पेक्टिन की बनी सहलग्न कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत को क्या कहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है द्वितीयक भित्ति, ऑप्शन नंबर बी है मध्य पटलिका एंड सी है प्राथमिक भित्ति एंड ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको कि पैक्टिन की बनी जो सहलग्न सेल होती है वो जोड़ने वाली, सहलग्न सेल को जोड़ने वाली परत को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे कहेंगे मध्य पटलिका। ठीक है, मेटाफेजिक जो प्लेट होती है वो कहलाती है और वही क्या करती है, सहलग्न सेल्स को जोड़ने वाली एक परत होती है। यहाँ पे बता दो कि प्लाज्मोडेस्माटा एक नया वर्ड आया है, तो इसका मतलब क्या होता है। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब होता है कि जो सेल में सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल में से जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में या फिर सेल वॉल की मैं बात करता हूं तो सेल वॉल जो होती है वो क्या करती है, एक सेल से दूसरी सेल में को जोड़ने का काम भी कौन करती है, प्लाज्मोडेस्माटा करता है। ठीक है, और जो सेल ओल से सेल ओल की तरफ, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोई भी पदार्थ का जब आवागमन होता है तो वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोडेस्माटा पाई जाती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक की दीवार के ऊपर या केंद्रक भित्ति, इस तरीके से मतलब 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है किसके, सेल ओल के ऊपर। ठीक है, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति के ऊपर प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, कुछ छिद्र होते हैं ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूं कि तर्कु तंतु निर्माण की क्रिया आरंभ होती है। तो तर्कु तंतु निर्माण की क्रिया जो है किसमें आरंभ होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, प्रोफेज के अंत में, टेलोफेज के अंत में, एनाफेज के अंत में एंड मेटाफेज के अंत में। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, प्रोफेज के अंत में। ठीक है, तर्कु तंतु का निर्माण किस स्टेज के अंदर होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोफेज के अंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कई सारे नाम से हमने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बताया था, बोला था। ठीक है, और अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू अलग अलग नाम दिए गए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकंड है कॉन्ड्रियोसोम एंड सी ऑप्शन है पेरोक्सिसोम एंड डी ऑप्शन है लिपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम भी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करता हूँ कि विनिमय कहलाता है, विनिमय। ठीक है, तो विनिमय क्या कहलाता है, किसको हम विनिमय कहते हैं। ठीक है ना, क्या डिफरेंस होता है, क्या चेंजेस आते हैं कि हम उसे विनिमय कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी है आनुवांशिक पदार्थ की अदला बदली एंड ऑप्शन नंबर सी है गुणसूत्रों में सहलग्नता एंड ऑप्शन नंबर डी है आनुवांशिक पदार्थों का न्यूनीकरण।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विनिमय कहलाता है जब अनुवांशिक पदार्थों का क्या होता है अदला बदली होती है, ठीक है ना, अनुवांशिक पदार्थों का एक्सचेंज होता है तो उसे हम कहते हैं विनिमय, ठीक है ना। जैसे कि कोई चीज को विनिमय करते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे, हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुवांशिक पदार्थों के अदला बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नंबर 12 है अपने पास, साइटोकाइनेसिस का अर्थ है। तो मैंने बताया था आपको कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, और तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर जो है वो है कोशिका द्रव्य का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रक द्रव्य का विभाजन एंड कोशिका द्रव्य का विभाजन लुप्त होना और केंद्रक का लुप्त होना। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो है हमारा राइट आंसर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। बहुत बार पढ़ा है हमने, ठीक है, जो भी मैंने क्लासेस पढ़ाई है उनमें। अब बात करते हैं हम लास्ट वीडियो का, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर किस किसने दिया था। फ्रेंड्स उससे पहले जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या था, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका आंसर जो है किस किस स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट किया था, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कोशिका विज्ञान से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कोशिका विज्ञान से संबंधित नहीं है, ऑप्शन है अपने पास कार्य, सेकेंड ऑप्शन है आनुवांशिकी, थर्ड ऑप्शन है जनन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर था वो था कार्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और इसका जो हमारे को कमेंट के माध्यम से जो आंसर बताया है वो इन सभी हमारे प्यारे दोस्तों ने बताया है, उनका मैं जो है दिल से जो है धन्यवाद करना चाहूंगा उनका, ठीक है। तो कौन कौन थे हमारे जो दोस्त हैं, अंकित मीना, सोहेल सैनी, ठीक है, आशीष पटेल, रेश सिंह कौरव, ठीक है, और जगदीश गोमय और अर्निंग स्मार्ट, ठीक है। तो इन सभी दोस्तों का जो है मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो है राइट आंसर दिया है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चार, नाइट्रोजन सार से, बी ऑप्शन है सल्फर फॉस्फेट और नाइट्रोजन सार से, एंड सी ऑप्शन है सल्फर फॉस्फेट से, और डी ऑप्शन है सल्फर नाइट्रोजन सार से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है, और जो भी इसका आंसर सही बताएगा उसका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप जो है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।